हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। मोगरा में हमने कटिंग प्रूनिंग सारा कर लिया है, न्यू ग्रोथ भी आना चालू हो गए हैं और कुछ प्लांट में फ्रेंड्स मेरा तो कलियां बनना भी चालू हो गए हैं। तो अब जो कलियां बनना चालू हो गए हैं, अब ये मोगरा क्या करेगा, आप जितना भी इसको अच्छा से केयर करेंगे, अच्छा से खाना इसको प्रोवाइड करेंगे, ये फूल देता ही रहेगा आपका नवंबर तक, जब तक आपका एरिया में सर्दी ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मोगरा में फर्टिलाइजर देने जा रही थी तो आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि इस टाइम आपको कौन सा फर्टिलाइजर मोगरा में देना है। मोगरा को थोड़ा सा एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद है, इसलिए हम मोगरा में थोड़ा सा चाय पत्ती का यूज़, कॉफ़ी का यूज़, विनीगर का यूज़, नींबू का रस का यूज़, ये सब सारा चीज़ का थोड़ा थोड़ा यूज़ हमको करना ही है हर मंथ। बहुत सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आपका किचन से मिल जाएगा, तो मोगरा को फर्टिलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे मैं फर्टिलाइज करते जाऊँगी आपके साथ भी शेयर कर लूँगी, तो आप भी साथ साथ में करा करिए। फर्टिलाइज़र देने से पहले फ्रेंड्स एक बार आपका मोगरा प्लांट को दिखा देती हूँ कि क्या चल रहा है मोगरा के अंदर अभी। और उससे पहले देखिए जो छोटा छोटा फूल खिला था कल, वो है इधर ही मेरा दो मोगरा प्लांट है जिसमें कलियाँ बन चुका है। देखिए ये क्रीपर वैरायटी का है। मैं चाहूँ तो इसको कटिंग करके बुश बना सकती हूँ, पर मैं क्रीपर ही रहने दूँ क्योंकि क्रीपर वैरायटी में बहुत सारा फूल खिलता है फ्रेंड्स। हर जो ब्रांच निकलते हैं और नोड एरिया से नया ब्रांच निकलते हैं, तो आपको पता है जितना नया ब्रांच मोगरा में आएगा उतना ही सारा फूल आपको मिलेगा। सिर्फ मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अच्छा से सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट अभी मैंने थोड़ा सा एक दे रखी हूँ, पर बहुत ही छोटा सपोर्ट है, पर उसको क्रीपर वैरायटी को मेरे को लंबा तक सपोर्ट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो कलियाँ बन रहे हैं मोगरा में। देखिए हर ब्रांच में ये कलियाँ बन चुका है, और मैं अभी फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। उससे पहले मिट्टी को, अच्छा मिट्टी को आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए मिट्टी में बहुत ही मॉइस्चर है क्योंकि मैंने शाम को पानी दिया था, तो अब मैं पानी नहीं दूंगी। देखिए बहुत ही गीला मिट्टी है, तो मैंने हल्का हाथों से इसको गुड़ाई करूंगी, गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देना शुरू करूंगी। और फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा प्लांट में, वो हमारा प्लांट के लिए रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने पहले दूंगी यहाँ पे, देखिए मैंने लिया है चाय का पत्ती, मैंने यूज़ चाय का पत्ती लिया, इसको सुखाया नहीं, ऐसे धो के ही मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से धोना चाहिए आपको, वॉश होना चाहिए, और ये अभी गीली है। देखिए चाय का पत्ती मैंने दे दिया, इसके बाद मैंने दूंगी जो मेरे पास लकड़ी का राख है वो मैं दूंगी, उपले का राख भी आप दे सकते हो। फ्रेंड्स आप ट्राई करना, ये जो राग है इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें आपका दो बेनिफिट होगा, एक तो फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया, इससे फर्टिलाइज़र बनते हैं, फूल बहुत ही बढ़िया आते हैं, और जो फूल खिलते हैं ना वो बहुत ही बड़ा साइज़ का आता है। तो आप ट्राई करना इसको देने के लिए। और आप कह सकते हो कि आपका लकड़ी कहाँ मिलेगा। अच्छा इससे पहले फ्रेंड्स आपको बोल देती हूँ कि इसका दूसरा क्या फ़ायदा है। इसका दूसरा यही फ़ायदा है कि मिट्टी में कोई भी फंगस लगे, कोई भी कीड़े लगे, ये बहुत ही अच्छा तरीके से इसको साफ करता है। लकड़ी नहीं तो उपले कहाँ मिलेगा। तो जो बड़े शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, आप सोच सकते हो, पर मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। मैं कहाँ पे लेती हूँ, मेरा घर पे जो हाउस हेल्पर आते हैं ना, तो उनको मैं बोल के रखती हूँ, तो उन्होंने मेरे को ला के देता है। अदरवाइज़ सबको लकड़ी, सूखे लकड़ी लेना है, उपले लेना है, तो आप पूजा शॉप में जाके पता कर सकते हो, क्योंकि पूजा शॉप में ये सब चीज़ रखते हैं। पूजा में जो हवन वगैरह होता है तो हवन के लिए ये सब चीज़ रखा जाता है, तो आप पूजा शॉप से कलेक्ट कर सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, मैंने एक अच्छा सोर्स आपको बता दिया। और देखिए ये मैं डाल रही हूँ बनाना का छिलका, ये अभी कच्चा है, तो मैंने क्या करूँगी, बहुत ही बारीक टुकड़ा कर लिया मैंने, और गमले के मिट्टी के ऊपर ही मैं छोड़ के रखूँगी, क्योंकि अभी तो धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है, तो मिट्टी के ऊपर ही छोड़ के रखूँगी। ये 2-3 दिन में अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद मैं मिट्टी के साथ मिला दूँगी। अब एक कच्चा है ना, तो मिट्टी के साथ अभी नहीं मिला सकती हूँ, तो कभी कभी फंगस हो सकता है, तो इसलिए ऊपर ही छोड़ रखी हूँ।
और जैसे अच्छा धूप में सूख जाएगा अपने आप ही, तो मैं मिला दूंगी मिट्टी के साथ। और मैं अभी पानी नहीं दे रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने राख दिया, राख को थोड़ा टाइम ऊपर रहने दूंगी, और जब आज हाफ डे का सन मिलते ही हमारा मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगा, तो मैं अच्छा से गुड़ाई करके दोबारा राख को भी अच्छा से मिट्टी के साथ मिला दूंगी। एक प्लांट में तो हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, तो सेम फर्टिलाइज़र मैं दूसरा प्लांट में भी दूंगी। देखिए दूसरा प्लांट है, इसमें भी मैं दूंगी, और इसका मिट्टी भी गीला है। फ्रेंड्स ये क्या करना है आपको, हर मंथ में एक बार आपको ये वाला फर्टिलाइज़र देना है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र मैं इसमें 15 डेज बाद दूंगी, उसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक बार आपको बोल के रखती हूँ, मैं यहाँ पे दूंगी कॉफ़ी पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर बहुत ही आसानी से पानी से मिल जाता है, घुल जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मैं थोड़ा एप्सम सॉल्ट डालूंगी, और मैं दूंगी जो बनाना छिलका, अभी मैंने इसका छिलका के साथ दिया है, एज ए ड्राई फॉर्म हो जाएगा, मैं उस टाइम दूंगी इसको लिक्विड। तो 15 डेज बाद बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, और मंथ में एक बार आपको ड्राई फर्टिलाइज़र देना है। इसके बाद आप और क्या दे सकते हो, जैसे कोई भी कंपोस्ट हो गए, कंपोस्ट एक बार तो मंथ में आपको देना ही पड़ेगा मिट्टी को अच्छा से गुड़ाई करके। और लिक्विड को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, हफ्ते में दो बार भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में देंगे ना, बहुत ही उसका कंसिस्टेंसी बहुत ही लिक्विड होगा, बहुत ही पतला होगा, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग में आ जाएगा। प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में डालेंगे ना, वो पूरा जड़ तक वो पहुंच जाते हैं, और प्लांट बहुत ही जल्दी उसमें, एक्चुअली प्लांट को कोई कष्ट करना ही नहीं पड़ रहे हैं। जब आप ड्राई फर्टिलाइज़र देते हो, उसमें पानी डालते हो, ड्राई फर्टिलाइज़र से लिक्विड निकालते हैं, फिर प्लांट उसको क्या करते हैं, लिक्विड को ले लेता है। पर जब आप लिक्विड बना बना के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में दे रहे हो, तो प्लांट को कोई कष्ट करना ही नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ तुरंत तो एकदम जैसे हमारा इंसान का बॉडी में इंजेक्शन डाला जाता है ना, वही डिजीज़ में जल्दी जल्दी फाइट करने के लिए, तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हफ्ता में दो बार भी डाला करिए, घुमा फिरा के। तरह तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाल रखी हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो आप देखना फ्रेंड्स, आपका प्लांट में फूलों का कभी कमी नहीं होगा, प्लांट का बहुत ही हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपका कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पर ऑर्गेनिक से आप प्लांट को केयर करिए, आपका प्लांट का मिट्टी भी बहुत ही फर्टिलाइज्ड रहेगा, उर्वरक रहेगा, और आपका प्लांट का हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगा। प्लांट को देख के ही आपको पता चलेगा कि प्लांट किस में खुशी है। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने क्यार आपको दिखाए फर्टिलाइज़र, आप मैंने आपको डाल के दिखाए, तो आज इस वाला फर्टिलाइज़र आप अभी प्लांट में तुरंत डाला करिए। फिर नेक्स्ट फर्टिलाइज़र मैं हफ्ता में, एक हफ्ता के बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में दूंगी, तब मैं वीडियो शेयर करूंगी, तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में देना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आई थिंक वीडियो आपको ज़रूर हेल्प में आएगा। तो आशा करती हूँ आपका प्लांट में भी जल्दी जल्दी कलियाँ बने, और कलियाँ बनना स्टार्ट हो गए तो भी जल्दी जल्दी खिलना शुरू करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।